हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 जनवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा के और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेट्रोपोलिस में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें 3.55% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे 13.09.75 है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज हमें जरूर वॉल्यूम देखने लगा। कैंडल एक मीडियम साइज की बने और नीचे के साइड में छोटी सी बारीक से भी हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, 37-38 के आसपास हमारा RSI जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में थोड़ा सा अपसाइड मूव जो हमें सबसे पहले 13.25 के आसपास देखने मिला और उसको भी क्रॉस करते गया, तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है वो हमें इजीली यहाँ पे 13.42 इवन 13.45 तक आते देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड जो है वो मैं आपको बता दूँ नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में जितना हो सके यहाँ पे मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा इंट्राडे में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या यहाँ पे लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक में यहाँ पे कभी भी 1399 यानी कि 1400 के ऊपर स्टॉक अगर 2 दिन तक जो सस्टेन करते हुए देखने मिले तो जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का ईजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर देखने मिल जाएगा। अगर मूवमेंट स्लो हुआ तो, अगर फास्ट मूवमेंट हुआ तो आपको जो है ये मूवमेंट 5 डेज के अंदर भी आते हुए देखने मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको यहाँ पे बाइंग करनी है तो स्टॉक में यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा 1277 के आसपास वापस से स्टॉक है तो जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको जो है इजीली अच्छा जो है मूव तो देखने मिलेगा ही, लेकिन इस लेवल पे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। यहाँ पे जो भी आपको मेट्रोपोलिस में यहाँ पे जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो इस लेवल पे करें, यानी कि 1277 या 75 के आसपास करें। मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा यहाँ पे सिर्फ से 20-25% तक अपना जो है यहाँ पे बाइंग करें। फिर कभी भी 10-20% का डाउनफॉल है तो वहाँ पे आप एडिशनल बाइंग करें, ताकि यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस जो है बाइंग का वो कम हो जाए। और यहाँ पे याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए जब एवरेज प्राइस कम होता है तभी यहाँ पे हमें जो है अच्छे अपसाइड मूव जो है हमें अच्छा प्रॉफिट जो देखने मिलता है। तो जरूर जो इसको ध्यान में रखते हुए अपना जो है यहाँ पे बाइंग जो है कॉशियसली करें। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं यहाँ पे कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे हमें सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर जो है यहाँ पे मार्क करने, क्योंकि स्टॉक का हम जो है पहली बार एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो है फिलहाल डेटा जो पूरा नया जो यहाँ पे मार्किंग करना होगा। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो है सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर जो आप यहाँ पे कोई भी इस चीज को जो है यहाँ पे ध्यान में रखें और यहाँ पे कोई भी चीज को मिस ना करें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो मार्किंग्स है हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ताकि स्टॉक में कभी भी ज्यादा अपसाइड मूव हुआ या फिर डाउनसाइड मूव हुआ आपके पास जो हमारी दी गई मार्किंग हो, जिसकी मदद से आप अपना एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेड ले सके। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अब हमारी मार्किंग्स भी जो कंप्लीट होने हैं। अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो नहीं देखा तो मैं जरूर यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा हमारे
कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियोस देख लें यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से हमें हेल्प करती है हमारा टारगेट, और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में, ये हमने आपको बताया। ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस हमने डाले हैं, तो ज़रूर जो आप प्लेलिस्ट हमने आई बटन में ऐड कर लिया उसको आप ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता ताकि हमें कल के लिए यानी कि मंडे के लिए इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो खाली क्लियरली यहाँ पे देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1309 के आसपास जो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1302 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1311 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मंडे के दिन ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख लें, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो ज़रूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1292 का, उसके बाद क्या था 1282 का, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1316 का, उसके बाद क्या था 1322 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग का है। यहाँ पे हमें जो है एक्सपेक्टेड 1311 से लेकर 1316 के रेंज में क्लोजिंग देखना है, थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल सकती, लेकिन स्टॉक इस रेंज में हमें क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। तो जरूर जब स्टॉक में नजर बना के रखे। बाकी आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।